गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विद अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो आज है, अरे नहीं करते बिट्टू, टुडे इज ट्यूसडे एंड मैं तैयार हूँ और आयु भी तैयार है। हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, वो गए हुए हैं कार लेने के लिए। न्यू कार आ गई हमारी और आप सबके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, सभी के बड़ों के न्यू कार आ गई है और मेरे हस्बैंड उसे उठाने के लिए गए हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कार का वीडियो क्लिपिंग शेयर करूँगी। तो मैं हम लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं, सब बोल रहा है प्रसाद लेने के लिए जाएंगे एंड वहीं से टेम्पल जाएंगे। और टेम्पल मेरे बर्थडे के बाद से अब हम अब जा रहे हैं टेम्पल, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कभी टेम्पल जाने का, कोविड के कारण और नहीं जा पा रहे थे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टेम्पल और वहाँ पर टेम्पल में खैर कार की पूजा नहीं करवाएंगे, हम लोग खुद ही घर पर कर लेंगे। और यहीं पर हम लोग घर पे कर लेंगे, जैसे इंडिया में हम लोग घर पे ही करते हैं सब लोग पूजा वगैरह कार की। तो यूएस में ये होता है कि पंडित वगैरह से करवाते हैं यहाँ पर जाकर यूएस में, बट शायद थोड़ा पता नहीं, आज तक करवाया नहीं है हमने तो पता नहीं है हमें प्रोसीजर वगैरह। तो हम लोग खुद ही जाएंगे, खुद कर लेंगे पूजा यहाँ पर और भगवान जी को प्रसाद चढ़ा कर आएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आयु को मैंने इवनिंग स्नैक्स वगैरह दे दिया है और उसका स्कूल लकीली बहुत अच्छा जा रहा है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ही क्राइड लिटिल बिट जब हम उनसे छोड़ने गए थे, और उसके बाद जब हम लेने गए थे तब वो रोया था हम लोगों को देखकर कि कहाँ चले गए थे वगैरह वगैरह। तो और दूसरे दिन आज हम लोग गए थे तो जब छोड़कर आए तभी वो रोया, उसके बाद जब लेने गए तो बहुत खुशी खुशी आया और टीचर ने बोला भी उसकी कि आज ये बिल्कुल नहीं रोया और स्टूडेंट्स जितने भी थे सभी के साथ वो खूब खेला आयु। तो उसी चीज़ की खुशी है, गाड़ी लेने से ज़्यादा आज ये खुशी हुई कि वो वहाँ पर एडजस्ट हो गया आयु। वो घर आकर भी बोल रहा था मम्मा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना है उसे, और स्कूल में उसको बहुत अच्छा लग रहा है टीचर्स के साथ जो बोल रही हैं वो लोग, और सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जितनी भी होती है स्कूल में, टॉयज रखना और खाना खुद से खा रहा है वो और इन्वॉल्व हो रहा है सारी एक्टिविटीज़ में और बहुत अच्छा। उसकी दो फेवरेट टीचर्स हैं, अगर वो उसे नहीं दिखती ना तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। बेटा कोई नहीं, पापा नहीं है, अंकल है, अंकल कोई तो हाँ, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट हाँ उसकी जो दो टीचर हैं फेवरेट टीचर उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है और बहुत इन्वॉल्व हो रहा है हर एक्टिविटीज़ में, और खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। वो यहाँ भी करता था और उसे ABCD 1 2 3 4 एवरीथिंग उसे आती है, टॉयज़ के नेम, कार के नेम, व्हीकल के नेम सब उसे आता है, बट वो उसको राइटिंग स्किल डेवलप करानी है तो मैं कराती हूँ तो वो भग भग जाता है, वहाँ टीचर कराएगी तो वो लर्न करेगा अच्छे से। तो ये इवनिंग का ब्लॉग है गाइस और हम लोग बस मैं वेट कर रही हूँ, पूजा की थाली बस मुझे तैयार करनी है तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और मेरा गेटअप कैसा लग रहा है बताइए, क्या मैं आपको दिखा दूँ मैं एक्चुअल में गाइस, ये मैंने सूट इंडिया से लाई थी और मैंने ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, इस साइड रखकर दिखाती हूँ गाइस। हाँ ये कुर्ती मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है और आयु इधर उधर घूम रहा है। हाँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सिंपल सा कुर्ता है, तो इसकी ये जो दिख रही है ना दुपट्टा, इसी के जैसा प्लाजो भी आया था इस कुर्ती का, बट प्लाजो हम लोगों को नहीं मिला, मतलब कुर्ती के साथ जो आया था पार्सल उसमें प्लाजो नहीं था, बट दुपट्टा और कुर्ता था जिसे मैंने स्टिच कराकर थोड़ा अपने फिटिंग का कराया था, इट वाज बिट लूज और थोड़ा सा तो नहीं मिला वहां पर वो शॉप्स वगैरह। फिर मैंने सोचा कि मैं रिटर्न नहीं करती हूँ इसे, रिटर्न ना करके मैंने ये इसी के कलर का लेगिंग खरीद लिया, ये तो लेगिंग के कारण पूरा मैचिंग हो गया, बट प्लाजो होता है इस टाइप का तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। बट आपको ये कुर्ता कैसा लगा बताइएगा। मैं सोची थी इंडिया से जो जो लाई हूँ मैं उसके लिए सेपरेट ब्लॉग करूंगी, बट हो नहीं पा रहा था वीडियो, तो इसी ऐसे ही मैं किसी ना किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि मैं क्या क्या लाई। तो ये बहुत प्यारा सा है और इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कुर्ता, आई थिंक सो बहुत ही 600 समथिंग में ही है ये कुर्ता, दुपट्टा एंड प्लाजो था इसके साथ, तो
रिटर्न था, तो ना मैंने उसको सूट कुर्ती को रिटर्न किया, इतना टाइम नहीं था, ना पैसे थोड़े बहुत चले गए कि मतलब प्लाजो नहीं आया, 600 हमने पे किया, बट इट्स ओके, चल जाता है। लिंक जरूर मैं आप लोगों के साथ इस कुर्ती की शेयर कर दूंगी, बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर का कुर्ता विथ रेड कलर के प्रिंट, मैरून कलर के प्रिंट। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में पूजा की थाली तैयार कर। सो गाइज़ यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं कार लेकर, और यहाँ हम लोग बालकनी से देख रहे हैं, दिस इज़ अवर न्यू कार, और बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। ये है निसान की रोग SUV है, और बहुत ज़्यादा स्पेस है, और चलाने में भी बैठने में इट इज़ सो कंफर्टेबल। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और जैसे हिंदू ट्रेडिशन में होता है गाड़ी आती है तो पूजा वगैरह करते हैं, तो वही कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, हम लोग फिर इसके बाद टेम्पल जाएंगे। सो गाइज़ ये कार का इंटीरियर है, और अभी हम लोग टेम्पल जा रहे हैं, और इस गाड़ी में बैठने से ना हर चीज़ इतनी क्लियर दिख रही थी, इतनी अच्छे से दिख रही थी, हाइटेड था क्योंकि सीट, पहले हम लोग मैं और आयु पीछे धंसे हुए रहते थे तो हमें बाहर का व्यू इतना क्लियर नहीं रहता था, बट इसमें ना आयु को भी बहुत कुछ अच्छे से दिख रहा था क्लियरली, सामने से, पीछे से, साइड से, और मुझे भी बहुत अच्छे से व्यूज़ दिख रहे थे, और रियली बहुत वर्थ वाइंग है, क्योंकि इसमें ना थकान नहीं होती बैठने में। पहले जो गाड़ी थी उसमें थोड़ा बहुत टायरिंग सा होता था, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छे से लग रहा है, और स्पेस भी कम हो रहा था, हम लोगों को ज़रूरत भी थी तो हम लोगों ने सोचा ख़रीद लें।
और अब हम लोग गाइस यहाँ से टेंपल पहुँच चुके हैं और टेंपल में हमने अंदर टेंपल में पूजा वगैरह कर ली है। मोबाइल इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द टेंपल, सो डैट मैंने बाहर से ही टेंपल का थोड़ा व्यू लिया है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिपिंग ऐड करिए जिससे आप बाहर का गाड़ी का व्यू वगैरह देख लें। पूरा ओवरऑल व्यू मैंने सोचा कि मैं ऐसे दिखा दूँ गाड़ी का। तो गाइस ये हमारी सेकंड कार है, फर्स्ट कार हमारे पास पहले थी जो हमने उसको सेल करके फिर देन सेकंड ली है। और इस साइड से ये मैंने सोचा अंदर से थोड़ा बहुत दिखा दूँ आप लोगों को। और यहाँ पर गाइस सनरूफ है, इसमें पैनोरामिक रूफ जो होती है पूरा ओपन हो जाता है ये, और मेरे हस्बैंड इसको ओपन करके दिखा रहे हैं क्योंकि न्यू कार है तो अभी तो हम लोगों को भी इसके बहुत सारे फीचर्स जानने हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी लग रही होगी क्योंकि मेरे को सर्दी हुई है एंड मैं आपकी इससे रिलेटेड डिटेल पूरी शेयर करूँगी कि हम सबको सर्दी खांसी हुई है। बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा है पीछे, ऊपर पूरा खुल जाता है पूरा। उस वाली कार में मून रूफ था जो कि हाफ खुलता था, ये खुलता था यहाँ भी हाफ है बट है ना, बट पूरा व्यू ऊपर का लंबा है, ज्यादा खुलता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। हाय सो गाइस, मंदिर के साइड में ही एक स्कूल था, उसका प्लेग्राउंड ओपन प्लेग्राउंड था जो कि स्कूल तो बंद था। तो हम लोग ने सोचा आयु को दूसरे प्लेग्राउंड लेकर जाते हैं, हमारे जो घर के थोड़ा आगे है तो वहाँ लेट भी हो जाता और थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी हम लोगों को। तो हम लोग ने सोचा कि ये बाजू में ही है और खाली पड़ा है, आयु थोड़ी देर यहाँ खेल लेगा, सबके मन की एक साथ हो जाएगी। तो बहुत प्यारा सा छोटा सा प्ले एरिया टाइप का था, आयु उसको प्लेग्राउंड बोलता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, आयु यहाँ पर खेल रहा है। और गाइस मैं बता दूँ, हेल्थ अपडेट दे दूँ, आयु किस थर्सडे से स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि आयु को सर्दी खांसी बुखार हो गया था, उसके बाद हम लोगों को हो गया और इट्स नथिंग। आयु को ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो ही इज़ फाइन नाउ। तो ये गाइस वही प्ले ग्राउंड है, there is a temple and this is the bachcho ka kids play area, school ka hai ye, to yahan ayu khel raha hai, usko khila rahe hain, thodi der khel le wo jab tak hum dono baith kar kuch order karte hain online pick up karne ke liye। yahan par honest karke ek restaurant hai jo Dallas mein hai, wo unhein pata hoga honest restaurant jo ki bahut hi tasty khana milta hai wahan par। to wahan se hum log soch rahe hain kuch lekar aaye, first time matlab पैंडेमिक में अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो अब पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से, तो देखते हैं। खाना तो बहुत अच्छा रहता है उधर का, पहले भी बहुत पहले ऑर्डर किया था बट इधर नहीं किया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओह नीचे तो देख लो तुम कहाँ पैर रख रहे हो, गो फ्रॉम देयर, आयु इधर से जाओ, क्लाइम। ओके सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना कुछ, यहीं से ऑर्डर कर दो ना पहले, पिकअप कर लेंगे। आकांक्षा भैया मम्मा लॉलीपॉप, मम्मा देखती बैग में है कि नहीं, पहले दूध फिनिश किया आपने, चिप्स खाओगे? ओके चिप्स चिप्स दे दे आयु को।
आयु को दे दिया हम लोगों ने, चिप्स रखा था मेरे बैग में। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हमारी गाड़ी कैसी लगी तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा टायरिंग सा लग रहा है क्योंकि इतना तैयार होने हो जाओ ना तो ऐसा लगता है कुछ वेट टाइप का सूट वगैरह पहन लो, रिलैक्सिंग नहीं लगता। तो जल्दी से हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं रेस्टोरेंट से, एंड देन वी विल पिक, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर क्योंकि कल आई को स्कूल है तो उसे टाइम पास बुलाना है हम लोगों को। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।